सबको पता है, जो कि हेयर केयर के ऊपर है और जिसको हम लोगों को बोलने के लिए और ये ट्रेनिंग देने के लिए आ रहे हैं, वन एंड ओनली आवर वेस्ट बंगाल एएसएम नन अदर देन मिसेस कोंकणा सरकार। मैडम प्लीज वेलकम, सबको उनके लिए एक जोरदार ताली के साथ उनका स्वागत की जाए। मैडम मैडम वेलकम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू संजना जी, वेलकम, थैंक यू थैंक यू, स्वागत है आपका, थैंक यू सो मच संजय जी, थैंक यू। भास्कर जी गंगा जी को स्पॉटलाइट करो। ओके स्टार्ट करूं मैं? यस मैम। ओके गुड मोदी का मॉर्निंग फ्रेंड्स, और आज का ये जो ट्रेनिंग की टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड बहुत ही यूजफुल टॉपिक है, दैट इज हेयर केयर। एंड वी ऑल नो कि अभी फिलहाल अभी तो बरसात का मौसम है, जिस हिसाब से हेयर फॉल हो रहा है चाहे वो जेंट्स हो और चाहे वो लेडीज हो, इट हैज रियली बिकम एरिया ऑफ कंसर्न हर एक इंसान के लिए। और चाहे जेंट्स हो चाहे कोई लेडीज हो, यू कैन अंडरस्टैंड ना, आज के डेट में हर कोई इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और अपने आप को फिट फाट एकदम ठीक चाहते हैं कि एकदम स्मार्ट दिखे, हर एक चीज़ में एकदम परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। और ऊपर से अगर इतना हेयर फॉल होता है तो डेफिनेटली दिक्कत तो आएगी। तो दोस्तों पहले 5 मिनट में डिस्कशन करना चाहती हूँ कि हेयर फॉल क्यों होता है, क्योंकि सॉल्यूशन उसके बाद मैं 10-15 मिनट के अंदर मैं सॉल्यूशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। पर कोई भी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट वो चीज़ है कि ये प्रॉब्लम क्यों होता है, वो जानना ज़रूरी है। अगर आप लोग जान लोगे ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है ना, फिर आप लोग उसके ऊपर काम कर पाओगे। नंबर वन, बीइंग अ लेडी, नॉर्मली लेडीज का क्या होता है पता है, हमेशा घर को फिट फट रखना, बेडशीट चेंज कर रहे, डस्टिंग वगैरह कर रहे, अच्छा अच्छा चीज खरीद के, शो पीसेस खरीद के घर को डेकोरेट कर रहे हैं, ये हर एक लेडी करते हैं, जेंट्स भी करते हैं, हर एक इंसान का ये एक शौक है, राइट। पर आप मुझे एक चीज बताओ, जिस हिसाब से हम लोग घर को फिट फट रखते हैं, सुंदर रखते हैं, हाइजीन मेंटेन करते हैं, उसी हिसाब से जितना नियम के हिसाब से हम लोगों का पीलो कवर चेंज करना चाहिए, उसी हिसाब से पिलो कवर चेंज नहीं करते। तो क्या होता है ना, नॉर्मली देखिए हम लोगों के ये जो हेयर है पूरा दिन एकदम एक्सपोज रहता है, उसमें धूल मिट्टी वगैरह पूरा जम जाता है, फिर उसके बाद रात को हम लोग पिलो पे सो जाते हैं। तो कंटिन्यूअसली अगर हम लोग पिलो कवर सही मात्रा में चेंज नहीं करते हैं ना, तो अल्टीमेटली आप देखो जितना भी धूल है, जितना भी मैला है, वो हम लोगों के बाल के साथ पूरा टच हो रहा है, हेयर के साथ टच हो रहा है, और एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है, हेयर फॉल का जितना परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो दैट इज द रीजन दोस्तों, मैं सबको ये रेकमेंड करूंगी हफ्ता में एटलीस्ट 2 बार चेंज योर पिलो कवर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है कंघी, हम लोग जो कंघी यूज करते हैं ना, कोम, वो कोम को एवरी डे वॉश कीजिए, एवरी डे, जस्ट मेक इट अ पॉइंट, बी जेंट्स और लेडीज, मैं दोनों के लिए ही बोलना चाहती हूँ, अपने ये जो कोम है कंघी है उसको डेली वॉश कीजिए। वॉश करने में आपको कितना टाइम लगेगा, मैक्स टू मैक्स इट विल टेक 5 मिनट्स। इससे क्या होगा ना, आप जब भी हेयर ब्रश कर रहे हो ना, तो हेयर से डैंड्रफ है, बहुत सारे धूल मिट्टी है, वो अल्टीमेटली अपने कंघी पे जाके वो अटक जा रहे, आपको भी पता नहीं हो रहे, मुझे भी पता नहीं हो रहे, और दिखाई भी नहीं दे रहे। तो क्या होता है ना, कंघी के कारण कंटिन्यूअसली सेम कंघी से जब हम लोग अपना हेयर को ब्रश करते हैं, उसी कारण भी बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है। सो जस्ट मेक इट अ पॉइंट एवरी डे, अपना जो कंघी है उसको सही मात्रा में आप लोग उसको वॉश कीजिए, धो लीजिए। फिर उसके बाद क्या होता है, ये प्रॉब्लम मैं भी फेस करती हूँ, पानी में ना बहुत ज्यादा आयरन है, जब नल से ज्यादा आयरन निकलता है ना, उसके कारण भी बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है। मैंने तो अपने बाथरूम में एक्वागार्ड डाल दिया, मैं सबको नहीं बोल रही हूँ, जिनके लिए पॉसिबल है आप लोग कुछ डाल दीजिए फिल्टर वगैरह बाथरूम में, जिनके लिए पॉसिबल नहीं है आप नॉर्मल जो पानी जो नल से निकल रहा है उसको अच्छे से आप लोग बॉईल कीजिए। बॉईल करने के बाद पानी को ठंडा कीजिए, जिस जिस दिन आप लोग शैम्पू करोगे वो बॉईल किया हुआ पानी से आप लोग शैम्पू कीजिए, इससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि आयरन वाटर जब हम लोग अपने सर के ऊपर डालते हैं ना, उससे बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है, बहुत ज्यादा होता है। थर्ड पॉइंट क्या होता है ना, थर्ड पॉइंट में बोलूं, शैम्पू तो हम लोग कर लेते हैं, कभी कभी बहुत जल्दबाजी में शैम्पू करते हैं, हम लोग सोचते हैं शैम्पू कर लिया, बाल को अच्छे से धो भी लिया, पर हकीकत में ऐसा नहीं होता है। जितना वाटर चाहिए मेरा हेयर को वॉश करने के लिए, कभी कभी हम लोग प्रॉपर तरीका से अपना हेयर को वॉश नहीं करते।
एज अ रिजल्ट क्या होता है, शैम्पू ना हेयर के अंदर रह जाते हैं, स्कैल्प में रह जाते हैं और वो सूख जाते हैं। सूखने के बाद क्या होता है, अल्टीमेटली वो डैंड्रफ में कन्वर्ट हो जाता है, स्कैल्प के लिए बहुत हानिकारक होता है और उसके कारण भी हम लोगों का हेयर बहुत ज्यादा फॉल होता है। तो दैट इज द रीजन, जब भी शैम्पू करोगे यूज एडिक्वेट वाटर, मेक श्योर कि कोई भी शैम्पू आपके हेयर में रहना नहीं चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट होता है, बीइंग अ लेडी आई ऑल्सो डू, कभी कभी जब पार्टीज में जाते हैं, शादी बारी में जाते हैं, कोई ओकेजन में जाते हैं, हम लोग स्ट्रेटनर यूज करते हैं। पहले तो हम लोग बहुत ज्यादा ब्लो ड्राई यूज करते थे, आज के डेट में लेडीज यूज स्ट्रेटनर बहुत ज्यादा। तो इससे क्या होता है ना, ये ब्लो ड्राई और स्ट्रेटनर से ना हेयर के ऊपर उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है बहुत ज्यादा आते हैं। हर एक लेडीज को पता है कि उसके कारण हेयर फॉल होता है, पर ये सब पता होने के बाद भी ना, वी वॉन्ट टू लुक गुड, वी वॉन्ट टू लुक ब्यूटिफुल। हम लोग सोचते हैं एक ही तो दिन है, महीना में 2 से 3 बारी तो कर रहे, इससे क्या फर्क पड़ रहा है, पर इससे फर्क पड़ता है फ्रेंड्स, इससे फर्क पड़ता है। सो ट्राई टू अवॉइड दैट। अभी कभी कभी क्या ओकेजन होता है जहाँ पे हेयर सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उस समय कीजिए, बट डोंट मेक इट अ रेगुलर हॉबिट। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक चीज बोलूंगी, नॉर्मली ये जो हेयर फॉल होता है, फेस पे पिंपल्स आते हैं, ये हर एक चीज के पीछे ना एक कारण है, वो है हम लोगों का पेट। हम लोग जो भी खाना खाते हैं ना, सही मात्रा में खाना प्रॉपर वे में डाइजेस्ट नहीं होता है। जब खाना डाइजेशन नहीं होता है तो अल्टीमेटली क्या होता है, आप लोग नोटिस करोगे फेस पे पिंपल आ जाएगा और उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हम लोगों का सर पे भी आ जाता है, हेयर फॉल भी हो जाता है। तो दैट इज द रीजन, आप देखो आप क्या खाना खा रहे हो, ट्राई टू अवॉइड ऑयली फूड। जब हम लोग ऑयली फूड ज्यादा लेते हैं ना, उसके कारण भी हम लोगों के इनडाइजेशन की वजह से बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है। उसके साथ साथ क्या होता है, लीवर में प्रॉब्लम होता है जब हम लोग उल्टा सीधा खाना खा लेते हैं। एंड यू कैन अंडरस्टैंड ना, अगर लीवर सही नहीं है, अगर लीवर में प्रॉब्लम है, उसका सीधा असर हम लोगों का हेयर के ऊपर आ जाते हैं। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उसके साथ साथ क्या होता है ना, वी जस्ट लव टू मसाज अवर हेयर, हेयर मसाज करते हैं ना हेयर ऑयल से। एक चीज मैं बोल दूं, जब हम लोगों का बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है और हेयर फॉल के साथ साथ अगर हम लोग ऐसे घिस घिस के अपने हेयर को मसाज कर रहे हैं ना, उसके कारण हेयर फॉल बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोगों का ये जो स्कैल्प है, स्कैल्प अभी वीक हो गया। इसके कारण क्या हो रहा है, अगर आप ऐसे करके मसाज करोगे ना, आप लोग नोटिस करोगे मसाज करने के बाद फ्लोर में देखना, 2-3 जगह के इतने सारे हेयर, अब मैं तो कभी कभी काउंटिंग भी करती हूँ कि इतना हेयर फॉल क्यों हो रहा है, टेंशन हो जाता है ना कि इतना हेयर फॉल्स हो रहा है। इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग ऐसे करके हेयर मसाज करते हैं। प्लीज डोंट डू मसाज। अब मैं बताऊंगी कैसे कैसे आप ऑयल पुट करोगे अपने स्कैल्प में, पर एक चीज याद रखना, कभी भी जब तक आपका हेयर फॉल का ये जो प्रॉब्लम है, जब तक ये पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं आ रहा है, प्लीज डोंट गो फॉर ऑयल मसाज। आपको कुछ डालना है, धीरे धीरे करके करो, फिर अच्छा कंघी से आप अपना हेयर को ब्रश कर लो, ऑटोमेटिक पूरा स्कैल्प में वो फैल जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज हेयर कलर। देखिए क्या मैं बोलू, मोदी केयर ज्वाइन करने से पहले मैं बहुत ज्यादा हेयर कलर करती थी, वो भी लॉरियल की करती थी। जितना भी वो लोग बोलते हैं कि ये अमोनिया फ्री है, असल में ये अमोनिया फ्री नहीं है और उसका इफेक्ट आज मैं भुगत रही हूँ। बिलीव मी फ्रेंड्स, मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं है, मेरे सामने में बहुत सारे हेयर्स है वो अभी ग्रे हो गया। इसीलिए ग्रे हुआ है, अभी मुझे मेरी मम्मी मुझे बोलती है कि जाओ और जाके स्टाइल करो, और जाके स्टाइल करो। सीरियसली ये इसके कारण हुआ, हर एक महीना नहीं तो कभी कभी ना मैं एक मंथ छोड़ छोड़ के पार्लर में जाके पूरा ग्लोबल कराती थी, पूरा हेयर में कलर कराती थी और आज मुझे आके आज इसका इम्पैक्ट आ रहा है। तो मोदी केयर का हेयर कलर का क्या प्लस पॉइंट है वो मैं शेयर करूंगी, पर मैं एक चीज आप लोगों को बोलूंगी, अगर हेयर कलर करना है मोदी केयर का हेयर कलर कीजिए, बाकी कोई कंपनी का हेयर कलर मत कीजिए। वो लोग बोलते हैं कि वो लोग एमोनिया फ्री है, पर हकीकत में एमोनिया फ्री नहीं है। एज अ रिजल्ट क्या होता है, बहुत ज्यादा स्प्लिट एंड्स होते हैं, बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है। हेयर फॉल फिर भी तो हम लोग इधर उधर करके कंट्रोल कर सकते हैं, पर जब हेयर ग्रे हो जाता है ना, बहुत दिक्कत होता है। अब जितना भी मेहंदी करो, जितना भी हेयर फॉल करो, 4-5 वॉश के बाद आप लोग खुद ही नोटिस करोगे ग्रे हेयर धीरे 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 बाहर निकल आते हैं। सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और उसके साथ साथ लास्ट में बोलूंगी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन, वो है लैक ऑफ प्रोटीन।
हम लोगों के शरीर में क्या होता है ना, हम लोगों का शरीर का जितना वजन है, से फॉर एग्जांपल माय करंट वेट इज 65 kg, तो पूरा दिन में मेरे शरीर में 65 grams प्रोटीन जाना बहुत जरूरी है। जब भी प्रोटीन की कमी होता है ना, उस समय आप लोग नोटिस करना हेयर फॉल बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, बहुत ज्यादा। और ये पर्टिकुलर ये चीज मैंने नोटिस किया, कभी कभी क्या होता है ना, मन करता है कि और भी पतला हो जाऊं। ये हर एक लेडीज का, मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं बोल रही हूँ, इट इज ओपन टू ऑल लेडीज, कि मुझे डाइटिंग करना है, मुझे पतला होना है, आई नीड टू लुक गुड, आई नीड टू लुक ब्यूटीफुल। एंड एज अ रिजल्ट क्या होता है, हम लोग प्रॉपर डाइटिशियन के पास जाते नहीं है, हम लोग अपने हिसाब से डाइट चार्ट बना लेते हैं और उसको फॉलो करते हैं, पर हम लोग देखते नहीं है उस डाइट चार्ट में जितना न्यूट्रिशन की जरूरत है, जितनी प्रोटीन की जरूरत है, सही मात्रा में वो प्रोटीन हमारे शरीर में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। जब नहीं जा रहा है, न्यूट्रिशनल गैप हो रहा है, कमी हो रहा है प्रोटीन में, उसी दौरान आप लोग देखोगे आपका जो हेयर फॉल है उसका जो परसेंटेज है वो जरूरत से कुछ ज्यादा ही हो रहा है, बढ़ जा रहा है। हम लोग सोच रहे हैं बरसात के मौसम में हो सकता है मेरा बाल ठीक तरह से ड्राई नहीं हुआ, हो सकता है खाने में कुछ प्रॉब्लम हो गया, पर ये सब कारण नहीं है दोस्तों। मेन प्रॉब्लम इस शरीर में प्रोटीन की कमी है। मैं अभी मेन टॉपिक में जाने से पहले, सॉल्यूशन में जाने से पहले, क्या क्या कारण हो सकता है हेयर फॉल का, प्रोबेबल रीजंस, प्रोबेबल जो जो रीजन है, मैंने वो आप लोगों के साथ शेयर किया, सो दैट आप लोग वही चीज के ऊपर अगर थोड़ा सा गौर करोगे, थोड़ा सा इसके ऊपर काम करोगे ना, आप अपने आप को रेक्टिफाई कर पाओगे, राइट? चलिए अभी आते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में नंबर वन, सबसे पहला सॉल्यूशन है ये जो कोको कोला थम्सअप का जो बॉटल आता है ना, 2 लीटर का बॉटल, पूरा दिन में आप 4 लीटर पानी पीना। 2 लीटर का जो बॉटल है, आप एकदम वो पूरा एकदम मींस क्या बोलूं, आपको ये करना ही है, पूरा दिन में 4 लीटर पानी पीना बहुत जरूरी है। और अभी तो लॉकडाउन में ज्यादा से ज्यादा टाइम हम लोग घर पे रहते हैं, क्या होगा, वॉशरूम में जाना पड़ेगा बार बार। लेडीज लोग तो इसीलिए नहीं पीते हैं, मेरा भी प्रॉब्लम होता है, बार बार वॉशरूम में जाऊंगी, इधर ट्रेनिंग करना है, उधर ट्रेनिंग करना है, तो जितना पानी पीना चाहिए उससे कम पानी पीती हूँ। पर अभी तो फिलहाल हर कोई इंसान मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर स्टेइंग एट होम, घर पे बैठ के काम कर रहे हैं, तो ये वॉशरूम का प्रॉब्लम नहीं है। तो दैट इज द रीजन मैं सबको बोलूंगी पूरा दिन एकदम मेजर करके 2 लीटर बॉटल एकदम पानी खत्म करना। और आप लोग ये चीज नोटिस करना, जब भी कोई सेलिब्रिटीज का इंटरव्यू देखते हैं ना, वो लोग बोलते हैं कि मेरा स्किन इतना अच्छा है, मेरा हेयर इतना अच्छा है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा पानी पीती हूँ। और हम लोग सोचते हैं कि ये तो फेंकते हैं, इसका क्या रीजन क्या है ये बताते नहीं है। नहीं माय डियर फ्रेंड्स, सच में ये हकीकत है, सुनने में अच्छा लगता है, देखने में अच्छा लगता है, मोटिवेट भी हो जाते हैं, पर जब अपना खुद का टाइम आता है ना, हम लोग ये करते नहीं है। आप डेली 4 लीटर पानी जरूर से जरूर पीना, यह है पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू है, मोदी केयर के पास एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, जिस प्रोडक्ट का नाम है आमला जूस। आमला जूस इज वेरी गुड फॉर हेयर एंड वेरी गुड फॉर स्किन। वेरी गुड फॉर हेयर मैं इसीलिए बोल रही हूँ, अगर आप लोग रिलीजियसली आमला जूस लोगे ना, आप लोग नोटिस करोगे कि शैम्पू करने के बाद, बहुत सारे लोग हैं शैम्पू करने के बाद उनका जो हेयर है रूखा सूखा हो जाता है, ड्राई हो जाता है। जितना ग्लैमर आना चाहिए हेयर के अंदर, जितना शाइनी होना चाहिए हेयर, उतना होता नहीं है। और कभी कभी आप बहुत सारे लोगों का देखना कि शैम्पू के बाद, कंडीशनर के बाद हेयर के अंदर ना एक शाइनिंग इम्पैक्ट आ गया। तो मैं सबको यही बोलना चाहती हूँ माय डियर फ्रेंड्स, अब एवरी डे नींद से उठने के बाद 1 ग्लास गर्म पानी, ल्यूक वार्म वाटर, गुनगुने पानी में 20 ml आमला जूस मिला के पी लेना। और पीने की आधा घंटा तक कोई भी सॉलिड फूड आप लोग एकदम मत लेना। और अगर टाइम मिलेगा सेम चीज रिपीट करना शाम को 4 से 4:30 के बीच में, पर जब भी लेना है खाली पेट में लेना है। इसीलिए शाम 4 से 4:30 बोला, क्योंकि उस समय दोपहर का जो खाना होता है वो हजम हो जाता है। आंवला जूस लीजिए, आपके स्किन में निखार आ जाएगा, एट द सेम टाइम आपका जो हेयर है, हेयर बहुत ज्यादा शाइन करेगा, और ऊपर से ये जो स्कैल्प है ना, स्कैल्प कभी ड्राई हो जाता है, ड्राई वाला स्कैल्प को अगर आप ऐसे ऐसे करके रब करोगे, आप लोग देखना कि डैंड्रफ बाहर निकल रहा है। दिस इज अ वेरी बैड थिंग, बहुत शर्म आता है लोगों के सामने, राइट? स्पेशली आप जब कोई डार्क कलर का कपड़ा पहने हुए हो। दैट इज द रीजन, अगर आप लोग आंवला जूस लोगे ना, ये नौबत ही नहीं आएगा कि आपका ये जो स्कैल्प है ये स्कैल्प ड्राई हो रहा है। और आपके आपका जो हेयर है, आप लोग खुद ही नोटिस करोगे हेयर के अंदर एक बहुत ज्यादा चमक आ गया। सो प्लीज गो फॉर आमला जूस। और इसके साथ साथ मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि आमला जूस पूरी तरह से
हमारा ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरी तरह से टेक केयर करते हैं। दैट मीन्स हम लोग जो खाना खाते हैं ना, वो खाना को हजम करने में हमला जो माहिर है, इट विल टेक केयर ऑफ योर एंटायर डाइजेस्टिव सिस्टम। नॉट ओनली दैट, आमला जूस लिवर फंक्शन का भी पूरी तरह से टेक केयर करता है। सो होप यू कैन अंडरस्टैंड, पेट रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगा, स्टोमक रिलेटेड जिसके कारण पिंपल आएगा, जिसके कारण हेयर फॉल होगा, वो नौबत ही नहीं आएगा। इसीलिए नौबत नहीं आएगा बिकॉज यू आर टेकिंग आमला जूस। इट इज टेकिंग केयर ऑफ योर स्किन, टेकिंग केयर ऑफ योर हेयर एंड टेकिंग केयर ऑफ योर स्टोमक। स्टोमक मीन्स एंटायर डाइजेस्टिव सिस्टम का टेक केयर कर रहे हैं। एट ए टाइम 3 in 1 काम कर रहा है आमला जूस। सो जरूर से जरूर लेना। उसके साथ साथ मैं बोलूंगी, मोदी केयर के पास एक वंडरफुल प्रोडक्ट है जो है स्पिरुलिना। बहुत सारे लोग हैं जो स्पिरुलिना लेते हैं। स्पिरुलिना लेना बहुत जरूरी है। स्पिरुलिना का एक एक जो कैप्सूल है फ्रेंड, एक एक कैप्सूल में 60 to 71% प्रोटीन कंटेंट है। और स्पिरुलिना ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है हम लोगों की वेलनेस सेक्शन में। स्पिरुलिना एक ऐसा प्रोडक्ट है और इसका जिसका जो सोर्स है ना, इसका सोर्स ही है विटामिन। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा, समुद्र किनारे से मिलता है। सो इट इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट। समुद्र में जो साइबाल मिलता है उसी से ये प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। इट इज वेरी 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 गुड फॉर अवर स्किन। दैट इज द रीजन मैं सबको यही बोलूंगी, पूरा दिन में 2 स्पिरुलिना लीजिए। मैं खुद भी स्पिरुलिना लेती हूँ और एक एक कैप्सूल में 60 to 71% प्रोटीन है। सोचो अगर आपके शरीर में, मेरे शरीर में प्रोटीन जा रहे हैं तो दैट मीन्स हेयर फॉल का नौबत नहीं आएगा। नौबत भी आ रहा है तो वो पूरी तरह से कंट्रोल में रहेगा। सो इट इज वेरी गुड पूरा दिन में 2 स्पिरुलिना लेना। नेक्स्ट मैं बोलना चाहूंगी, जैसे कि प्रोटीन के बारे में मैं बोल रही हूँ, मोदी केयर में बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रोडक्ट है, वो हर एक इंसान को लेना चाहिए, ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर। इसमें 3 टाइप के प्रोटीन है, सोया प्रोटीन, पी प्रोटीन एंड प्लांट प्रोटीन, हर एक इंसान को पता है। मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर का सबसे जो प्लस पॉइंट है, बहुत सारे लोग घर पे भी है, हम लोगों का फैमिली मेंबर्स, अगर उनको पता है कि दे आर टेकिंग प्रोटीन शेक, वो लोग सुनने के बाद, जानने के बाद, ना बाबा ना मुझे नहीं लेना है, नहीं लेंगे। एक ऐसा अच्छा प्रोडक्ट है जो आप खाने पे मिला सकते हो, चाहे वो चिकन करी करो, फिश करी करो, वेज करो, कस्टर्ड करो, पुडिंग करो, चाहे आप रोटी बनाओ, चाहे आप जूस बनाओ, दूध बनाओ, हर एक चीज में आप पर्टिकुलर ये जो ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर है आप मिला के अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स को पिला सकते हो, इसमें मिला के दो। और सबसे प्लस पॉइंट है, खाना बनाने के बाद भी ये पर्टिकुलर प्रोटीन का जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो पूरी तरह से बरकरार रहेगा। ऐसा नहीं है कि खाना बनाने के बाद इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो जाएगा, कम नहीं होगा। सो इट इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट, ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर। सिर्फ एक चीज देख लेना फ्रेंड, अगर किसी का यूरिक एसिड हाई है, किसी का किडनी का प्रॉब्लम है, थायराइड का प्रॉब्लम है, वो सब इंसान को छोड़ के आग बंद करके हर एक इंसान को दे सकते हो। अगर किसी का कार्डियक प्रॉब्लम है, किसी का शुगर लेवल में प्रॉब्लम है, क्या बोलते हैं इसको, मीन्स शुगर का प्रॉब्लम है, हर एक इंसान को आप ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर दे सकते हो। और सबसे प्लस पॉइंट है, 9 essential amino acids इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में मौजूद है। किसी को अगर दूध से एलर्जी है, क्या नाम है उसका, ये बटर से प्रॉब्लम है, पनीर से प्रॉब्लम है, दैट मीन्स लैक्टोज इंटॉलरेंट अगर कोई है, उनको भी आग बंद करके ये प्रोडक्ट दे सकते हो। कैसे समझोगे आपके शरीर में सही मात्रा में प्रोटीन जा रहा है? ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर का ये जो सर्विंग स्पून है ना, सर्विंग स्पून का साइज है 10 grams। और ये जो 10 grams प्रोटीन पाउडर आप सर्विंग स्पून से उठा रहे हो ना, उसके अगेंस्ट में आपके शरीर में प्रोटीन जा रहा है 8.4 gram। पूरा दिन में 3 चम्मच प्रोटीन पाउडर ले सकते हो, तो दैट मीन्स 3 serving spoon के अगेंस्ट में 8.4 into 3 कितना आ रहा है, 8 is 24, 25 point something प्रोटीन आपके शरीर में जा रहे हैं ऑल प्लान प्रोटीन पाउडर के माध्यम से। एंड एट द सेम टाइम आप स्पिरुलिना भी ले रहे हो, 2 spirulina का कैप्सूल भी ले रहे हो, ऊपर से दाल ले रहे हो, राजमा ले रहे हो, बाकी तो खाना खा रहे हो ना। इससे क्या होगा, आपके शरीर में प्रोटीन का जो कमी, जो चांसेस है, वो चांसेस नहीं रहेगा। और प्रोटीन का अगर चांसेस नहीं रहेगा, बाल झड़ना बंद हो जाएगा, कंट्रोल में रहेगा, आपका कोई शिकायत नहीं रहेगा हेयर फॉल को लेके। क्लियर? सो इट इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट। सिर्फ ख्याल रखना, यूरिक एसिड का पेशेंट, किडनी, थायराइड, ये सब पेशेंट को छोड़ के हर एक इंसान को दे सकते हो। अगर ये सब पेशेंट और ये ऐसा ऐसा कोई बोलेगा कि मुझे चाहिए, तो उनको बोलना कि आप फोटो खींच लो,
डॉक्टर के साथ सलाह मशवरा कर लो, दिखा दो कॉम्पोजिशन क्या है, अगर डॉक्टर आपको गो अहेड दे रहे देन यू कैन गो फॉर अवर प्रोटीन। सो इट इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट माय डियर फ्रेंड्स, मैं सबको बोलूंगी एकदम लेना ही लेना। फिर उसके बाद मैं बोलूंगी, अभी आ गया बारी हेयर ऑयल मसाज का। हेयर ऑयल मसाज के लिए क्या करना पड़ेगा, छोटा वो कटोरी होता है ना जहाँ पे पूजा के टाइम में हम लोग छोटा छोटा कटोरी जैसे गंगा पानी वगैरह डालते हैं, छोटा सा कटोरी लो, उसके अंदर आप सलोन हेयर ऑयल लो, ठीक है, पूरा भर के सलोन हेयर ऑयल लो। उसके साथ आप 4-5 ड्रॉप, कंजूसी मत करना, 4-5, जरूरत पड़ेगा 10-12 ड्रॉप भी टी ट्री ऑयल डाल दो। डालने के बाद उसको अच्छा से ब्लेंड करो और छोटा सा कॉटन लो, कॉटन कॉटन को उसके अंदर डिप करो, डिप करके ऐसे करके अपने हेयर हेयर लो, हेयर करके ना 1 2 3 करके लो, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके दिखाइए, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ऐसे ऐसे करके हेयर को आप बाहर निकालो और ऐसे ऐसे करके अपना पूरा हेयर में डैब 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 करके पूरा वो जो तेल टी ट्री ऑयल के साथ मिलाया पूरा हेयर में डाल दो। घिसना नहीं, रब मत करना, एकदम घोषा घोषी कर देना, ये चीज याद रखना बहुत जरूरी है। बिलीव मी फ्रेंड्स, अगर ये चीज आप लोग करोगे ना, यू विल गेट अ वेरी 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 गुड रिजल्ट। और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को बोलूंगी कि कंघी लेना, और कंघी ना वुडन कंघी यूज करना, वुडन कंघी बाजार में जाना 60 से 65 रुपया के बीच में आएगा, अगर अच्छा क्वालिटी का होगा, मैक्स टू मैक्स 120 रुपया लेगा वुडन कंघी। तो मैंने क्या बोला, आप तेल लेना, तेल को कॉटन में डुबा के ऐसे ऐसे डैब 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 करके पूरा सर पे डाल दो, नो मसाज नथिंग। फिर उसके बाद वुडन कंघी लो, वुडन कंघी से अच्छा से ब्रश करो, कोम करो, कोम करो। इससे क्या होगा ना, जो तेल आपने डाला पूरा स्कैल्प में पूरी तरह से वो फैल जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। और जब वुडन कंघी से आप अपने हेयर को ब्रश करोगे, इसका क्या प्लस पॉइंट होगा, वो पूरा फैल जाएगा और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा और पूरा स्कैल्प में पूरा ऑयल पूरा स्प्रेड हो जाएगा। इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा और हेयर फॉल का जो संभावना है वो धीरे 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 बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, आप खुद ही नोटिस करोगे कंट्रोल में आ जाएगा। नेक्स्ट डे अगर कहीं पे जाना है तो शैम्पू कर लो, अगर घर पे है तो एक डे गैप में भी आप शैम्पू कर सकते हो, पर जरूर से जरूर ये करना एंड आई एम श्योर यू विल गेट अ वेरी गुड रिजल्ट। चलिए नेक्स्ट मैं आती हूँ, क्या शैम्पू आप लोगों को यूज करना है। मोदी केयर के पास बहुत सारे शैम्पूज है, पर मैं जो शैम्पू यूज करके मुझे जो अच्छा रिजल्ट मिला है, मैं 3 शैम्पू आप लोगों को बोलूंगी। हर एक शैम्पू एकदम लाजवाब है, बहुत अच्छा है, पर उसमें से 3 शैम्पू तो मीन्स क्या बताऊं, मीन्स कुछ बोलने लायक नहीं है। एक है स्मूथ एंड शाइन शैम्पू फॉर ड्राई हेयर, जिनका ड्राई हेयर है प्लीज गो फॉर स्मूथ एंड शाइन शैम्पू, आई एम माने टेलिंग यू वन थिंग, यू विल गेट अ वेरी गुड रिजल्ट। और जिनका बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है प्लीज गो फॉर हेयर फॉल डिफेंस शैम्पू, आप लोग खुद ही नोटिस करोगे इसके अंदर विटामिन का जो कंपोनेंट है एकदम भरा हुआ है, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। और ये छोड़कर एंटी डैंड्रफ भी एक शैम्पू है, डैंड्रफ केयर शैम्पू, तो जिनका डैंड्रफ है आप डैंड्रफ वाला शैम्पू यूज कीजिए, जिनका बहुत ज्यादा क्या बताओ ड्राई हेयर है तो आप स्मूथ एंड शाइन शैम्पू यूज कीजिए। और जिनका हेयर फॉल का बीमारी है, अगर देखा जाए 99% का हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, गो फॉर आग बंद करके हेयर फॉल डिफेंस शैम्पू एंड आई एम श्योर यू विल गेट अ वेरी 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 गुड रिजल्ट। उसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक हेयर पैक बताऊंगी, मैं दूसरा भी एक प्रोग्राम किया था, उस प्रोग्राम में भी मैंने जिक्र किया था उस पर्टिकुलर हेयर फॉल का, और जो जो लेडी वो हेयर फॉल के लिए वो पैक इस्तेमाल किया था दे हैव गॉट अ वेरी गुड रिजल्ट। और मेरे पास भी जब टाइम मिलता है हफ्ता में मैं भी वो चीज करती हूँ, मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कर्ड लेना है, कर्ड घर पे मीन्स बाहर से कर्ड मत लेना, घर पे वो कर्ड को तैयार कीजिए, बड़े ये मीठा नहीं खट्टा खट्टा कर्ड इतना सा लेना, ठीक है, ये एक्चुअली डिपेंड कर रहे आपके हेयर की लेंथ के ऊपर, थोड़ा सा कर्ड लेना। कर्ड के साथ साथ आप उसमें 2 स्पून मोदी केयर की प्योर हनी लेना, पॉइंट टू बी नोटेड, 2 स्पून मोदी केयर की प्योर हनी एकदम स्पून में डाल के प्योर हनी लेना, 2 स्पून कर्ड लेना। और थोड़ा सा ना ग्रीन टी जो है, मोदी केयर की जो ग्रीन टी है, थोड़ा सा ग्रीन टी की जो लिक्विड है ग्रीन टी भी थोड़ा सा लेना, और उसके साथ साथ स्पिरुलिना का पाउडर लेना। अगर मेरा मेरा हेयर देखिए एक बार, मेरा हेयर ज्यादा बड़ा नहीं है, इतना साइज है, अगर मेरा साइज का अगर है हेयर का अगर लेंथ इतना है, तो आप उसके अंदर स्पिरुलिना का जो पाउडर है कैप्सूल के कैप्सूल निकल के वो पाउडर लेना, हाफ लेना हाफ,
और अगर किसी का हेयर का लेंथ अगर बड़ा है, लंबा है, तो उनको पूरा स्पिरुलिना का पूरा कैप्सूल लेना है। तो वो लेके उसको अच्छा से आप लोग मिलाइए, अच्छा से एक पेस्ट बनाइए। वो पेस्ट बनाने के बाद, जैसे नॉर्मली हम लोग ये हेयर के ऊपर जैसे हम लोग मेहंदी डालते हैं, हेयर कलर डालते हैं, वैसे हेयर ब्रश यूज करके धीरे 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 करके पूरा हेयर में डाल दीजिए। और ये करने के बाद कीप इट फॉर मिनिमम हाफ एन आवर एंड मैक्स टू मैक्स इज 45 मिनट्स। इसके ऊपर रखने की जरूरत ही नहीं है। फिर उसके बाद बहुत अच्छी तरीके से अपना ये जो हेयर है, हेयर को धो लीजिए। धोने के बाद थोड़ा सा शैम्पू लीजिए, शैम्पू कम यूज कीजिए, कंडीशनर लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। बिलीव मी फ्रेंड्स, आपका हेयर जब सूख जाएगा, जब ड्राई हो जाएगा, आप सिर्फ डिफरेंस नोटिस करना। आप लोग खुद ही देखोगे, जैसे कॉटन जितना सॉफ्ट है ना, आपका हेयर उतना ही सॉफ्ट हो गया। और ऊपर से जब आप कंघी कर रहे हो ना, कहीं पे भी ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट नहीं हो रहा है, बहुत स्पीड आपका ये जो सर है ना, आप बहुत हल्का महसूस करोगे, बहुत हल्का महसूस करोगे। एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, अगर यही चीज अगर आप लोग पूरा महीना में 4 बार करोगे, दैट मीन्स वंस इन अ वीक, आई एम टेलिंग यू फ्रेंड्स, यू विल गेट अ वेरी गुड रिजल्ट। वाई आई एम सेइंग, बिकॉज ये जो पर्टिकुलर मैंने आप लोगों के सामने ये जो हेयर पैक बोला, इसमें कर्ड है, हनी है, टी ट्री और ये ग्रीन टी है, स्पिरुलिना पाउडर है। जरूरत पड़ेगा अगर किसी का डैंड्रफ है, थोड़ा टी ट्री ऑयल भी इसके साथ मिला लीजिए। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर पैक में प्रोटीन की जो कॉन्टेंट है, जितना मीन्स अपने हेयर को जितना मॉइस्चराइज करना चाहिए, जितना प्रॉपर खाना खिलाना चाहिए, ये पर्टिकुलर पैक के दौरान अपने हेयर को आप प्रॉपर खाना खिला रहे हो। एंड होप यू कैन अंडरस्टैंड, इसका जो रिजल्ट है, इसका रिजल्ट एकदम लाजवाब आएगा। मैंने बहुत सारे लेडी कंसल्टेंट वेस्ट बंगाल के लिए भी किया था, वो लोग मुझे फीडबैक भी दिया, मैंने पारमिता चौधरी के टीम के लिए भी किया था, दे हैव गिवन अ वेरी गुड फीडबैक। हेयर फॉल बहुत 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 कंट्रोल हो गया, आप लोग खुद भी नोटिस कर सकते हो। और इसके साथ साथ मैं बोलूंगी, नॉर्मली क्या होता है ना, हम लोग तो फेस वॉश वगैरह करता है, पर क्या होता है, हम लोग पूरा महीना में एक बार क्या दो बार मसाज करते हैं, फेशियल करते हैं, क्यों करते हैं? नॉर्मली तो सीटीएम भी फॉलो करते हैं, तो सीटीएम भी फॉलो करने के बाद व्हाट इज द यूज ऑफ डूइंग फेशियल, फिर भी करते हैं ना, क्योंकि एक दिन अपने फेस को पूरी तरह से प्रोटीन, विटामिन, हर एक चीज खिलाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सेम अप्लाइज फॉर अवर हेयर, अब जितना भी टेक केयर कर रहे हो, हफ्ता में एक बार करो, आई एम टेलिंग यू, यू विल गेट अ वेरी गुड रिजल्ट। और इसके साथ साथ लास्ट में बोलना चाहती हूँ, मोदी केयर का हम लोगों के पास जो क्या बोलते हैं, जो मोदी केयर की जो हेयर कलर है, इट इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट। मुझे पता नहीं है कितने लोग यूज किए हैं, सही मात्रा में अगर मोदी केयर का हेयर कलर अगर आप लोग कोई यूज किए हो, देखिए मेरे पास ना मिक्स फीडबैक आया, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, बहुत सारे लोग मुझे बोला कि मैडम हेयर कलर यूज करने के बाद मेरा हेयर कलर का लॉन्जिटिविटी बहुत दिन तक है, मैं तो डेली बाल धोती हूँ, धोता हूँ, शैम्पू वगैरह करता हूँ, पर हेयर कलर गया नहीं। पर मेरे पास मिक्स फीडबैक भी आया कि मैडम नॉर्मल हेयर कलर जितना दिन तक रहता है, मोदी केयर का हेयर कलर उससे कम रहता है। इसके पीछे कारण है, क्या कारण है, क्योंकि नॉर्मल हेयर कलर जब आप घर पे भी अगर उसको मिक्स करोगे ना, आपको इमीडिएटली एमोनिया का जो फ्लेवर है ना, आपके नाक में आ जाएगा। पर जब आप मोदी केयर का हेयर कलर जब आप यूज करोगे ना, आप लोग नोटिस करना है, हम लोग क्या बोल रहे हैं, इट इज एमोनिया फ्री। और एमोनिया फ्री का मतलब है सही मात्रा में इट इज एमोनिया फ्री। तो नॉर्मली सीजर से जब आप पैकेट को काटोगे, एक ओपन होते ही नॉर्मली एक जो स्मेल आ जाता है ना नाकों में, नोज में, आप लोग नोटिस करना, वो स्मेल नहीं आएगा, क्योंकि सही मात्रा में ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट पैराबेन फ्री है एंड एमोनिया फ्री है। और ये प्रोडक्ट डालने के बाद कोई भी कारण, कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट आपके सर पे नहीं आएगा, ग्रे हेयर होने का नौबत नहीं आएगा, स्प्लिट एंड्स नहीं होगा, बाल नहीं झड़ेगा। इट इज अ वंडरफुल प्रोडक्ट एंड इट इज अ फर्स्ट क्लास प्रोडक्ट। तो मैं सबको एनकरेज करूंगी, प्लीज गो फॉर मोदी केयर हेयर कलर। हाँ, सिंस ये एमोनिया फ्री है, और बाजार का प्रोडक्ट बोल तो रहता है एमोनिया फ्री है, पर आखिर में अमोनिया फ्री होता नहीं है, उसके अंदर अमोनिया रहता है। तो दैट इज द रीजन आप लोग बहुत दिन तक बाल धोने के बाद भी वो कलर रह जाते हैं, इसीलिए रह जाते हैं का मतलब एक महीना रह जाते हैं। मोदी केयर का हेयर कलर भी एक महीना रह जाते हैं। अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली हेयर वॉश कर रहे हैं,
तो उन पर्टिकुलर इंसान के लिए हो सकता है 1 महीना नहीं रहेगा, आपको रिपीट एप्लीकेशन करना पड़ेगा। पर मैं एक चीज बोलू, रिपीट एप्लीकेशन करना तब भी सही बात है, क्योंकि मैं जानती हूं मैं जितना भी रिपीट एप्लीकेशन करूं आखिर में मेरे हेयर में इसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आएगा, मेरा बाल सफेद नहीं होगा और मेरा बाल झड़ेगा नहीं, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बट बाहर का क्या हो रहा है, बाहर का जो हेयर कलर है जितना भी अमोनिया फ्री बोल रहे हैं, पैराबेन फ्री बोल रहे हैं, आखिर में वो नहीं है, एंड एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है, ग्रे हो रहा है। और मैं ही जीता जाता एग्जाम्पल हूँ, आप लोगों को पता नहीं चलता मैं मेहंदी डाल देती हूँ, मोदी केयर की हेयर कलर डाल देती हूँ, फिर उसके बाद पता नहीं चलता पर मेरे सामने भी हेयर ग्रे हो गया लॉरियल का लगाने के बाद, और मैं एकदम मीन्स जोर जोर आवाज से मैं बोल सकती हूँ, बोलने में कोई शर्म नहीं है। तो दैट इज द रीजन फ्रेंड्स, इट इज एप्लीकेबल फॉर एवरीवन। प्लीज गो फॉर, अगर हेयर कलर करना है डेफिनेटली करना है, वी ऑल वांट टू लुक गुड, वी ऑल वांट टू लुक गॉर्जियस, वी ऑल वांट टू लुक कॉन्फिडेंट, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट अपना जो लुक्स है उसको प्रॉपर तरीका में फिटफट रखना। सो प्लीज गो फॉर हेयर कलर, आग बंद करके मोदी केयर का हेयर कलर यूज करो, और जितने सारे मैंने प्रोडक्ट बोला वो सब यूज करो, एंड जस्ट मेक इट अ पॉइंट, कभी भी गलती से भी आप लोग ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर मत छोड़ना। ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर स्पिरुलिना इज बिकम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ अवर लाइफ, इसको लेना ही है। अगर ये सब चीज के ऊपर अगर आप लोग गौर करोगे, आई एम टेलिंग यू फ्रेंड्स, आज कौन सा तारीख है, टुडे 7th of September, प्लीज 7th of October मुझे आप लोग कॉल करके बताना, कॉल करके बताना, नहीं तो आपका जितने सारे रेस्पेक्टिव अपलाइंस है उनको कॉल करके बताना कि आपका रिजल्ट क्या मिला, एंड आई एम श्योर यू विल गेट अ वेरी गुड रिजल्ट। और उसके साथ साथ मैंने 10 पॉइंट आप लोगों के सामने जो बोला था प्रोग्राम शुरुआत के साथ साथ, कौन सा चीज में आप लोगों को गौर करना चाहिए वो चीज थोड़ा सा गौर कीजिए। अगर ये सब चीज आप लोग टेक केयर करोगे और उसके साथ साथ जो जो सॉल्यूशन के बारे में मैंने बोला आप लोगों को वो चीज फॉलो करोगे, आई एम श्योर यू विल गेट अ वेरी गुड रिजल्ट। सो नथिंग मोर टू से, ओवर टू संजय जी। हेलो हेलो, थैंक यू मैडम। हेलो मैडम, थैंक यू। जस्ट तो मैडम अरुण, माने वाव दैट्स ग्रेट प्रोग्राम मैम, माने कोई इसमें कोई बात नहीं है कि कोई समझा नहीं है। मैं तो ये चीज सोच रहा था कि मैम जस्ट 30 मिनट्स में आपने नॉट ओनली हेयर हेयर्स पर, आपने तो एक हेल्थ मैनेजमेंट के ऊपर पूरा क्लास ले लिया हम लोगों का। तो मैडम थैंक यू इतना अच्छा ट्रेनिंग देने के लिए, मैम इतना अच्छा ट्रेनिंग हम लोगों को, आप आते रहिए और हम लोगों को ट्रेनिंग देते रहिए, ऐसा ट्रेनिंग मिलते रहा तो बंगाल को एक नंबर 3 महीना नहीं लगेगा, हम लोग शायद अक्टूबर में एक नंबर बना देंगे मैम, ऐसा ट्रेनिंग मिलते रहा। तो मैम के लिए मैं बोलूंगा सबको और एक बार क्लैपिंग करने के लिए, मैंने am I audible? और अभी अगर मैं ईस्ट की बात करूँ, ईस्ट में तो अभी बिहार को क्रॉस करके वेस्ट बंगाल हैज बिकम नंबर 1, बिहार हैज बिकम नंबर 2। यस, एंड ऑल क्रेडिट गोज टू आवर वेस्ट बंगाल लीडरशिप। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर टूडे सेशन, थैंक्स फॉर द इन्विटेशन, थैंक यू सो मच, एंड थैंक्स सुमंतो, एंड थैंक्स पूनम जी, एंड थैंक यू सो मच संजय जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू कोंकणा मैम, थैंक यू। फ्रेंड्स आप लोगों ने सुना हम लोग 13 करोड़ को क्रॉस कर चुके हैं, तो वो दिन दूर नहीं है कि पूरे हिंदुस्तान में वेस्ट बंगाल एक नंबर बन जाए, और ऐसा ट्रेनिंग मैडम के द्वारा और एमएमए के द्वारा मिलते रहा तो ये दिन दूर नहीं, अक्टूबर ये पूजा के मंथ में, और इतना अच्छा ट्रेनिंग हेयर स्पा के ऊपर, वेल्थ मैनेजमेंट के ऊपर, टूट पड़ो फ्रेंड्स, इतना अच्छा अच्छा प्रोडक्ट आ रहा है, टूट पड़ो। और ये जो 13 करोड़ और ये जो प्रोडक्ट, कोई कोई सोचता है मोदी केयर से प्रोडक्ट बेचने का काम है, तेल साबुन बेचने वाला काम है। फ्रेंड्स मैं बोलता हूँ कोई एक बंदा जो तेल साबुन बेचता है ना, वो तेल साबुन बेच नहीं रहा है फ्रेंड्स, एक चीज थोड़ा गौर करो, एक जो बंदा तेल साबुन के ऊपर आपको बता रहा है वही बंदा फील्ड में उतर के आपको एग्रीकल्चर समझा रहा है, वही बंदा आपको स्किन केयर बोल रहा है, वही बंदा आपको कलर कॉस्मेटिक समझा रहा है। फ्रेंड्स ये कंसल्टेंसी का काम है, और यही कंसल्टेंसी जस्ट सोच के ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसे ले रहे हो इसको।
कंपनी बोल रहा है सोच बदलो, खुद को बदलो। फ्रेंड्स ऐसे ही हम लोगों के बीच एक शख्सियत है जो मेरा बहुत ही खास है, मेरा दोस्त है, जो असम से बिलोंग करते हैं, एक एक असम के एक गांव से बिलोंग करते हैं। फ्रेंड्स वो नौकरी करते थे, नौकरी के बाद उनके पास ये अपॉर्चुनिटी आया, उन्होंने कुछ नहीं समझा, कुछ नहीं सोचा, जस्ट अपना लीडर को, अपने अपलाइन को फॉलो करते हुए उसने अपना ये पथ जो है इसको चलना चालू किया। और फ्रेंड्स बाकी हम लोग उनके मुंह से सुनेंगे, नन अदर देन आवर असम पैंथर मिस्टर प्रीतिस्नाथ, मिलेनियर कार अचीवर एंड फॉरेन टूर अचीवर। गिव अ बिग राउंड अप्लॉज एंड पुट योर हैंड्स टुगेदर एंड वेलकम मिस्टर प्रीतिस्नाथ। प्रीतिस वेलकम। थैंक यू वेलकम 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 प्रीतिश जी वेलकम। थैंक यू सुमंत जी, थैंक यू एमएमए ऑल बोर्ड मेंबर्स मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। मेरा हिंदी इतना क्लियर नहीं है, कोशिश करेंगे आपको समझाने के लिए जितना कर सकूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरा अपलाइन मिस्टर सुब्रत चक्रवर्ती सर मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, और संजय बैगरिया सर को तो हमेशा मतलब गॉड फादर है हमारा, जिस तरह से सर ने हम लोगों को गाइड किया है, और पूरा एमएमए बोर्ड मेंबर जिस तरह से हफ्ते में 3 मीटिंग करते हैं, उससे हम लोगों को बहुत सारा नॉलेज मिलता है, वो नॉलेज से हम लोगों का बिजनेस भी बहुत ग्रोथ हुआ लॉकडाउन के अंदर भी। तो मेरा लास्ट 1 महीने में मैंने कुछ भी काम नहीं किया, थोड़ा सा प्रॉब्लम होने के लिए 1 महीने के बाद 2 दिन से काम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा अभी बोलने का कैसा होगा क्या होगा नहीं पता, क्योंकि बिजनेस के साथ मैं 1 महीने से नहीं हूँ, जस्ट 2 दिन से बिजनेस स्टार्ट किया है। तो मेरा नाम मिस्टर प्रीतिश्नाथ, असम से बिलोंग करता हूँ। असम में बरपड़ा रोड एक छोटा सा गांव में मेरा जन्म हुआ, एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्म हुआ। जब छोटा था तब तो कपड़े के लिए खाने के लिए सब कुछ था, वो टेंशन नहीं था, लेकिन धीरे 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 ऐसा हुआ हमारा बिजनेस बहुत, मेरा पिताजी का बिजनेस बहुत डाउन हुआ। डाउन होने के बाद हमारा घर में चलना बहुत मुश्किल हो गया था, मतलब दिन में खाता था रात में नहीं खाना पाता था, ऐसा हो रहा था, ऐसा दिन आ गया था हमारे पास। तो धीरे धीरे मेरा पढ़ाई भी चल रहा था, पढ़ाई चलते चलते ऐसा हो गया कि पढ़ाई छोड़ना पड़ा। हाई सेकेंडरी पास करके मुझे इनका घर में इनकम चाहिए, इसलिए मुझे पढ़ाई छोड़ना पड़ा। छोड़ के मैं 1,000 रुपया तनख्वाह में मैंने जॉब में एक आया, सिर्फ 1,000। आज का 1 लाख उस दिन का 1,000 बहुत रुपया था, तकरीबन 12-13 साल पहले। 1,000 रुपये में करके ऐसा बहुत सारा कंपनी में डिस्ट्रीब्यूटर में मैंने काम करके बहुत सारा, जहाँ पे भी काम किया मैंने वहाँ पे भी मेरा अपना काम समझा, और जहाँ पे भी काम किया वहाँ पे भी मेरा नाम रख के आया, कुछ ना कुछ सर्टिफिकेट लेके आया, असम का या तो नॉर्थ ईस्ट का टॉप एसीबार या तो असम का टॉप एसीबार ऐसा कुछ करके आया, हर जगह में नाम था। फिर सपना तो बहुत बड़ा था, कॉलेज में भी देखा था सपना, देखा था सपना बहुत बड़ा था, इसलिए बड़ा सपना देखने के लिए एक कंपनी में गया, वो कंपनी पूरा पूरी तरह से 3-4 साल बाद डूब गया। डूबने के बाद मेरा इनकम 0 लेवल में आ गया, जो मेरा घर चल नहीं रहा था, मैं धीरे धीरे घर में थोड़ा सा उठ रहा था, मेरा घर घर का फैमिली, मेरा पिताजी, मैं, मेरा भाई, सब लोग इनकम कर रहा था, लेकिन ऐसा दिन आ गया कि मेरा इनकम 0 हो गया। 2-2.5 साल मेरा इनकम कुछ भी नहीं था। उसके बाद मैंने ऐसा ऐसा दिन आया, फुटपाथ में मैंने दुकान किया, फुटपाथ में खेलना खेलना का दुकान किया, बम बिक्री किया, मतलब 2-3 साल ऐसा काम किया जो लोग, मेरा एक्चुअली क्या है, काम से डरता नहीं था, चोरी नहीं करूंगा, काम करूंगा, काम करके इनकम करूंगा, इसलिए मैंने छोटा बड़ा जो भी मिला वही किया। लेकिन काम करते करते मेरा ऐसा लगा, ऐसा छोटा मोटा बिजनेस करके मेरा बड़ा कुछ नहीं होने वाला था, बड़ा कुछ भी नहीं होगा, मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था, डायरेक्ट सेलिंग है ये भी नहीं जानता था, ये प्रोडक्ट मार्केटिंग है मार्केट में ये भी नहीं जानता था। तब मैंने सोचा मैं ये छोटा पैसा से इनकम, मैं ज़्यादा इनकम नहीं कर सकूंगा, मुझे कुछ ऐसा कंपनी में जॉब करना पड़ेगा जो पैसा जमा के बिजनेस करना पड़ेगा 2-3 साल बाद। फिर उसके बाद एक कंपनी आया, वेल्वोलाइन कंपनी, मोबिल कंपनी में ज्वाइनिंग हुआ, तो लॉयर आशा मेरा 6 डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पे काम किया। काम करने के बाद
वहां से बहुत सारा पैसा जमा कर रहा था क्योंकि मुझे एक बिजनेस खोलना है। उसके बाद मेरा अपलाइन मिस्टर सुब्रत चक्रवर्ती सर का एक कॉल आया कोलकाता से कि यहाँ पे आओ, थोड़ा घूमने के लिए आओ। बहुत दिन मेरा जान पहचान था पहले, तो घूमने के लिए जाने के लिए बोला। मुझे बोला भी नहीं था मोदी केयर एक कंपनी है। और मैं ठीक है, बहुत दिन से घुमा नहीं हूँ, बहुत दिन से यहाँ पर रही हूँ, 2-3 साल हो गए मैं काम कर रहा हूँ, कहीं पर भी नहीं गया। ठीक है, मैं घूमने के लिए जाता हूँ। तो मैं घूमने के लिए कोलकाता में गया। कोलकाता में सर एक दिन घुमाया, उसके दूसरा दिन बोला कि एक कंपनी में लेके जाना चाहता हूँ, जाओगे? मैंने बोला चलिए, हम तो घूमने के लिए जाएंगे, तो थोड़ा देख के आते हैं। उसके बाद मोदी केयर ऑफिस में, कोलकाता ऑफिस में लेके गया। कोलकाता ऑफिस में जाने के बाद मैंने देखा इतना भीड़ लगा हुआ था, वहां पे लाइन पकड़ के लोग प्रोडक्ट ले रहा था। बोला कि यहाँ पे जो लेके आया हो, ये हमारा प्रोडक्ट है। जो प्रोडक्ट डिस्प्ले कर रखा था वहां पे, मैं देखा था कि ऐसा ऐसा प्रोडक्ट का गेटअप है, बहुत अच्छा लगा देख के। क्योंकि मैं मोदी केयर्स के आने के पहले पार्ट टाइम में एक कंपनी कर रहा था, एक छोटा सा कंपनी, इतना छोटा कंपनी। वो कंपनी पैसा कमाने के लिए आया, हम लोगों को पैसा देने के लिए नहीं। 9-10 महीना ऐसा कुछ किया, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी किया, वहां से थोड़ा एक्सपीरियंस हुआ। लेकिन वहां पे कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आया क्योंकि वहां पे बड़ा कुछ करूंगा, लेकिन थोड़ा सा नॉलेज वहां पे मिला। उसके बाद मैं मोदी केयर में जब देखा, प्रोडक्ट का गेटअप भी अच्छा है, पूरा ऑफिस भी अच्छा लगा। और वहां पिछली कंपनी में जहां पर था, 9-10 महीने जहां पर किया था, उनका हेड ऑफिस इतना छोटा है। और तो कोलकाता में ब्रांच ऑफिस था, हेड ऑफिस इतना छोटा है। मैं 2-3 आदमी को लेके गया था, वो हेड ऑफिस देखे काम छोड़ दिया। मतलब सोचा यहाँ पे कोई काम करके कोई फायदा नहीं होगा। मैं धीरे धीरे काम कर रहा था, करना चाहिए ऐसे कर रहा था। मोदी केयर आने के बाद, उसके बाद संजय बागारिया सर के चैम्बर में लेके गया मेरा अपलाइन, सुब्रत चक्रवर्ती सर चैम्बर में लेके गया। उसके बाद वहां पे सर ने बिजनेस प्लान दिखाया। बिजनेस प्लान देके बहुत अच्छा लगा, इतना सिंपल प्लान है, ये प्लान में तो जबरदस्त काम कर सकते हैं, जो भी आदमी काम करके यहाँ पे सक्सेस हो सकता है। क्योंकि इतना सिंपल प्लान है मोदी केयर का ये। और मैगजीन दिखाया, मैगजीन में भी बहुत सारा आदमी पूरा ऑल इंडिया में कार रिसीवर दिखाया। और एक लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख ऐसा इनकम करने वाला बहुत सारा लोगों को दिखाया। देख के मुझे बहुत सारा मोटिवेट हुआ। और जब बोला कि कंपनी का प्रोडक्ट का, हर प्रोडक्ट का गारंटी है, जो भी प्रोडक्ट नहीं अच्छा लगेगा रिटर्न दे सकता हूँ, वो देख के भी बहुत अच्छा लगा। लास्ट में फाइनली, तब भी मैं इतना कुछ दिखाया, तब भी मैं डिसीजन नहीं लिया, मैं नौकरी छोड़ के मोदी केयर करूंगा। जब फाइनली बागरिया सर ने मुझे डेमोस्ट्रेशन दिखाया, कुछ 3-4 डेमोस्ट्रेशन, साबुन का डेमोस्ट्रेशन दिखाया, स्टडी क्लीन का दिखाया, हैंड वॉश का दिखाया, और एक साथ 4 डेमोस्ट्रेशन दिखाया था, कैल्शियम का दिखाया था। 4 डेमोस्ट्रेशन देख के मुझे पूरा फुल्ली मोटिवेट हो गया। अगर ये मैं अगर मेरा गांव में लेके जाऊंगा तो गारंटी मेरे जैसा बहुत सारा लोग मिलेगा, ये काम करेगा। तब मैंने डिसीजन लिया कि मैं नौकरी छोड़ के फुल टाइम करूंगा, क्योंकि मेरा सपना जो था, सपना कहीं पर भी साकार नहीं हो रहा था, ये एक रास्ता मिला, यहाँ पे शायद मेरा हो जाएगा और कॉन्फिडेंस ना हो जाएगा। लेकिन मेरा अपलाइन बोल रहा था यहाँ पे इतना जल्दी पैसा नहीं आएगा, तुम पार्ट टाइम में करो, जो नौकरी कर रहा हो वो करो, उसके बाद पार्ट टाइम में तुम मोदी केयर करो, धीरे धीरे थोड़ा जब डेवलप होगा तब तुम मोदी केयर में फुल टाइम करना। मैंने सर को बोला नहीं सर, मैं फुल टाइम ही करूंगा, क्योंकि पार्ट टाइम करने से टाइम मुझे बहुत कम मिलता है, 1-2 घंटा टाइम मिलता है, उस तो भी वो रात 8 बजे के बाद मैं 1-2 घंटा लोकल में ही काम कर सकूंगा, बाहर में तो नहीं जा सकूंगा। इसलिए मैं डिसीजन लिया फुल टाइम में मोदी केयर करूंगा। 1-3 बार बोलने के बाद सर ने बोला ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम फुल टाइम मोदी केयर करो, मैं पूरा पूरा कोशिश करूंगा। और बगैर सर ने भी पूरा हिम्मत दिया कि मैं, हम लोग दोनों भी तुम्हारे साथ रहेंगे सर, तुम्हारा सक्सेस पाने के लिए। उसके बाद मैं वहां पे 2000 रुपये का प्रोडक्ट लेके बरपुरा रोड में आया, कुछ लोगों को घर में बुलाया, कुछ लोगों के घर में गया। जाने के बाद बहुत सारे लोगों के साथ प्रोडक्ट शेयर किया, प्रोडक्ट सेल किया। 20-30 किलोमीटर दूर जाके मेरा बाइक लेके जाके प्रोडक्ट सेल करने के, एक साबुन सेल करने के लिए, एक टूथपेस्ट सेल करने के लिए 20-30 किलोमीटर बाइक लेके जाता था, क्योंकि वो मेरा सेल नहीं था, वो मेरा टारगेट था।
उनको आज मैं साबुन दे रहा हूँ, टूथपेस्ट दे रहा हूँ, लेकिन मेरा टारगेट था उनको मैं ज्वाइनिंग करूंगा, आज नहीं तो 2 महीना 3 महीना 6 महीने बाद ज्वाइनिंग कराऊंगा, इसलिए मैं टूथपेस्ट साबुन लेके भी इतना दूर जाता था। और उसके बाद सर ने बोला कि तुम्हारे पास कुछ स्टॉक रखो, क्योंकि स्टॉक नहीं रखोगे तो तुम्हारा बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा। उसके बाद मैं यहाँ से गुवाहाटी में गया, गुवाहाटी से 12,700 रुपये का मेरा कोर्ट में प्रोडक्ट ले गया। दोस्त बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है मैजिक कॉर्नर, मतलब आप अगर बिजनेस के लिए आए हैं तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप कस्टमर है तो आप 1,000 का 2,000 का 3,000 का लीजिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने वही किया, क्यों स्टॉक लिया 12,700 और 2,000, मतलब 15,000 टोटल मेरा प्रोडक्ट था। अभी घर में और गाड़ी में मेरा प्रोडक्ट रहता है, कम से कम 35,000-40,000 रुपये का प्रोडक्ट मेरा रोटेशन होता है, लेकिन तब का टाइम में 15,000 रुपये का हर महीना में रोटेशन करता हूँ। अगर 5,000 रुपये का जाता है तो 5,000 लाता हूँ, 3,000 का जाता है 3,000 का लाता हूँ, ऐसे में रोटेशन करता रहा। क्यों जरूरी है प्रोडक्ट रखना? अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, आपके पास प्रोडक्ट साबुन तेल और टूथपेस्ट है, आप घर में कुछ लोगों को बुलाए, 10-15 आदमी को बुलाए होम मीटिंग करने के लिए, तब लोग देखेगा, आप पूरा मोटिवेट कर दिया, आपका ऑफलाइन आके पूरा मोटिवेट कर दिया, और बहुत अच्छा लगा लोगों को बिजनेस आपका ऑफलाइन का बिजनेस सुन के। लेकिन आपने जो बिजनेस दिखाया मोटिवेट हुआ, आप बोल रहे हैं उन लोगों को आप 10,000 रुपये का प्रोडक्ट लीजिए, 15,000 रुपये का प्रोडक्ट लीजिए, वो लोग बोलेगा मुझे उल्लू बनाना है, क्योंकि आपने प्रोडक्ट रखा है 2-3 प्रोडक्ट, आप बोल रहे हैं 10,000 रुपये का प्रोडक्ट लेने के लिए। सोचिए आप अगर 2-3 प्रोडक्ट रखेंगे तो आपका 100 आदमी ज्वाइनिंग होगा, 2-3 प्रोडक्ट लेगा तो कितना टर्नओवर होगा आपका? अगर आपके पास 15-20,000 रुपये का प्रोडक्ट होगा तो आप लोग क्या कर सकेंगे? लोगों को 15-20,000 रुपये का बोलेंगे तो लोग भी 15-20,000 लेने के लिए रेडी होगा। आपका घर में 15-20,000 रुपये का स्टॉक रहेगा तभी तो लोग 15-20,000 रुपये का लेगा। मैंने भी सेम ऐसा किया, मैंने स्टॉक लिया, उसके बाद मैं 9 आदमी को कोलकाता लेके गया मीटिंग में। मीटिंग से आने के बाद सभी लोगों ने 15,000-20,000 रुपये का प्रोडक्ट लिया, और कुछ कुछ लोगों ने 3,000-5,000 रुपये का प्रोडक्ट लिया। और पहला मंथ में ही मेरा डायरेक्टर, जो पहला रैंक सबका सपना होता है डायरेक्टर होने का, वो मैंने पहला मंथ में ही अचीव किया है डायरेक्टर रैंक, और बहुत अच्छा लगा डायरेक्टर रैंक मिल के। बागर ऐसा ने भी बधाई दिया, सुब्रत ऐसा ने भी बधाई दिया, इतना कम समय में आपने ये किया। मतलब पहला मंथ में 6 दिन टाइम था, वो पार्सी से किया था। पहला मंथ में मेरा चेक आया, दूसरा मंथ में, पहला मंथ में मेरा चेक आया 105 रुपया था, दूसरा मंथ में मेरा चेक आया था 17,000 रुपया। मतलब डायरेक्टर हुआ 1,21,000 बिजनेस वॉल्यूम लेके, तो बहुत खुश हुआ। दूसरा मंथ में भी, मंथ में ही मेरा टीम में और एक डायरेक्टर निकल गया, और मेरा सीनियर डायरेक्टर निकल गया दूसरा मंथ में ही, तो मेरा ट्रेवल फंड आना शुरू कर दिया। और बहुत मजा आ रहा था, पहले पहले जब बिजनेस कर रहा था, इतना बिजनेस हो रहा था, जिसको भी बोल रहा था बिजनेस दे रहा था, और डेमोस्ट्रेशन हर लोगों को डेमोस्ट्रेशन दिखा रहा था, हर लोगों को डेमोस्ट्रेशन देके कम से कम मेरा प्रोडक्ट सेल होता था, या तो प्रोडक्ट सेल होता था या तो ज्वाइनिंग होता था। तो डेमोस्ट्रेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और एक बात, मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। मीटिंग मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हुआ, क्योंकि मैं जो 9 आदमी को लेके गया कोलकाता में लेके गया था, सबका खर्चा लेके मैंने खर्चा नहीं दिया, जितना लोग गया था सबका अपना अपना खर्चा था, अपना अपना खर्चा करके कोलकाता गए थे। और कोलकाता में सूर्या भार्गव मैडम का पहला हम लोगों का सेमिनार मिला, सभी लोग इतना जोश आ गया था, आके ही पूरा धमाका सब लोग काम करने शुरू कर दिया था। और हर मीटिंग में, कोलकाता में जितना भी मीटिंग होता था हम लोग जाते थे, जितना भी बड़ा मीटिंग हुआ मैं भी जाता था, मेरा टीम लेके भी जाता था। एक बार तो 34 आदमी को लेके कोलकाता गया था, और 3,000 रुपये का वर्कशॉप में भी गया था मेरा टीम लेके, और 5,500 रुपये का लास्ट में सेमिनार हुआ तो वहाँ पे भी गया था। मीटिंग होने से क्या होता है, मीटिंग में अपने आप तो खुद भी मोटिवेट होते हैं और टीम भी पूरा मोटिवेट रहते हैं। अगर मीटिंग ने, बहुत सारा टीम मेरा ऐसा है मीटिंग में नहीं आता थी, वो टीम मैक्सिमम 3 महीने 6 महीने टिकता था, उससे ज्यादा नहीं टिकता था,
क्योंकि मीटिंग में नहीं गया तो मोटिवेट नहीं होगा। मैं जितना भी बोलता हूँ वो सुनता है लेकिन ठीक से नहीं सुनता है। अगर मीटिंग में जाता है दूसरे लोगों को सुनता दूसरे लोगों से सुनता है तो पूरा मोटिवेट होता है। तो मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आज का डेट में कोरोना वायरस लॉकडाउन के वजह से ऑनलाइन मीटिंग मिलता है। हम लोग 3,000-5,000 रुपया लेके कोलकाता में मीटिंग सुनता था, अभी फ्री में घर में सुन रहा है। इसलिए क्या हुआ, मेरा टीम में जितना भी टीम था, जितना स्ट्रांग था, लॉकडाउन में इतना बड़ा बड़ा मीटिंग सुन के वो लोग इतना मोटिवेट हुआ, हर महीना बिजनेस ग्रोथ हुआ, ऑल इंडिया में जैसे कि ग्रोथ हुआ, मेरा भी ग्रोथ हुआ। लास्ट मंथ जैसे कि अगस्त मंथ में एक दिन भी काम नहीं किया, फिर भी मेरा इनकम 1,11,000 रुपये आया है लास्ट मंथ में, एक दिन में काम नहीं किया। ये है बिजनेस, मोदी केयर का बिजनेस का पावर। मैं सोचा कि ये महीने में बिजनेस क्या हुआ होगा, क्योंकि मेरा टीम में बहुत सारा लीडरशिप निकला है जो अपने आप काम कर सकते हैं। जैसे कि सुब्रत विश्वास जी है, धन कुमार जी है, अमितेश रॉय है, ऐसे और भी बहुत सारा लीडर है, अबू तलेब तालुकदार है, कुछ प्लेटिनियम डायरेक्टर एसीडी, मतलब 7-8 एसीडी निकला है, प्लेटिनियम डायरेक्टर 2-3 प्लेटिनियम डायरेक्टर निकला है। अभी मेरा टारगेट है बहुत अभी मिलीनियर्स में लाना। मैं तो मिलीनियर्स में आ गया लेकिन मेरा टीम में मिलीनियर्स अभी तक नहीं आया। मेरा टारगेट है बहुत जल्दी ये साल में ही 2-3 मिलीनियर्स लाने के लिए। और बहुत सारा टीम मेरा कार फंड में आया है, शायद ये साल में 2-1 कार निकालेगा और 2021 में शायद 7-8 कार रेडी है और भी आ सकता है, क्योंकि बहुत सारा लीडर अभी आ रहा है। लेकिन बीस में मेरा बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ। ऐसा नहीं कि मेरा आराम से बिजनेस चल रहा है, आराम से चल गया, मैं आराम से इतना मिलीनियर्स बन गया। बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा बीस में मुझे। जैसे कि मेरा बहुत सारा टीम था, ऐसा 6 टीम, बड़ा बड़ा टीम, 1.5 लाख भी, 2 लाख भी, 2.5 लाख भी करता था, वो 6 टीम आज का डेट में 0 बिजनेस है। कुछ गलते मेरा गलती की वजह से, कुछ मेरा टीम का गलती की वजह से। ऐसा ऐसा कुछ टीम था, ऊपर में दिखा था अपलाइन को रेस्पेक्ट देता था लेकिन बाहर जाके अपलाइन का नेगेटिव बोलता था। आज अगर अपलाइन को आप नेगेटिव बोलेंगे, बाद में अगर आपको अगर अच्छा नहीं लगा आपका टीम, तो आप किसको दिखाएंगे? ऐसा भी कुछ मेरा टीम निकल गया मेरे हाथ से, क्योंकि मेरा नॉलेज कम था, ये बिजनेस में मेरा नॉलेज कम था, कैसे हैंडल करना है, टीम को हैंडल करना है, मेरे पास नॉलेज नहीं था। धीरे धीरे आप 3.5 साल हो गया, धीरे धीरे हैंडल करने का क्षमता मेरा हुआ है, अभी टीम नहीं भागता है, लेकिन पहले पहले बहुत टीम भाग गया। एक टीम ऐसा हुआ कि हर समय अपलाइन का नेगेटिव, मतलब मेरा नेगेटिव बोलता था, अभी नेगेटिव बोलते बोलते एक समय ऐसा आएगा, उनका टीम में जब नेगेटिव बोलना शुरू किया, अभी मेरा पॉजिटिव बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि मेरा नेगेटिव तो पहले बोल दिया। अगर आप लोग भी ऐसा कर रहे हैं, आप लोग अगर आपका अपलाइन का नेगेटिव बोल रहा है, तो आपका भी ऐसा समस्या आएगा, जब आपका टीम आपको अच्छा नहीं लगेगा तो आप किसको दिखाएंगे? आप किसको दिखाएंगे कि ये मेरा टीम चला जा रहा है, मैं अपलाइन को अगर बोलेंगे कि मेरा टीम को ठीक कीजिए, मेरा टीम को कैसे हैंडल करूंगा, आपका अपलाइन नहीं कर सकेगा, क्योंकि आपको अपलाइन तो अपलाइन का डाउन तो आपने ही कर दिया। तो अपलाइन को रेस्पेक्ट देना बहुत जरूरी है। मेरा जितना भी प्रॉब्लम हुआ, बहुत सारा प्रॉब्लम फेस हैंडल करने पाया सिर्फ मेरा अपलाइन सुब्रत चक्रवर्ती सर के वजह से, क्योंकि सर का 18-20 साल का एक्सपीरियंस है, जो एक्सपीरियंस मेरा काम में लिया। मेरा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था, फिर भी मैं सोचता हूँ कि मेरे हिसाब से कम समय में अच्छा अचीवमेंट हुआ है। नेटवर्क बिजनेस और भी बहुत कम समय में बहुत सारा अचीवमेंट कर सकते हैं, लेकिन मेरा नॉलेज नहीं था फिर भी कम समय में एक अच्छा अचीवमेंट आया है। लेकिन सब कुछ ठीक हुआ, घर में मेरा भी इनकम आ गया, माँ भी खुश था, पिताजी भी खुश था, घर में सब कुछ खुश था। अभी से मेरा डेवलप हो रहा था, माँ इतना हम लोगों के लिए झेला, इतना छोटा छोटा जब रहता था इतना झेला, अभी थोड़ा सा उनको आराम आ रहा था, लेकिन लास्ट 23 दिन पहले मेरा माँ मुझसे मुझे सरकर गुजर गया। मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि
मैं माँ को सेवा नहीं कर पाया, बहुत बहुत बुरा लगा, ये कभी नहीं भूल पाऊंगा। मैं काम कैसे करूंगा, मुझे ऐसा हो गया था, मैं काम करना चाह रहा था लेकिन काम कर नहीं पा रहा था। मैं सर को बोला, अपलाइन को बोला कि मैं कैसे एंगेज होऊंगा काम में, मैं लोगों के साथ बात नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत लोग मुझे फोन भी किया, फोन रिसीव नहीं किया, टीम में फोन किया, टीम बहुत सारा टीम मुझे फोन किया, रिसीव नहीं कर पाया, क्या बोलूंगा क्या नहीं बोलूंगा, ऐसा हो रहा था। मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, काम छोड़ दूंगा, ऐसा हो रहा था। लेकिन मुझे सर ने मोटिवेट किया, तुमको उठना है, माँ देखेगा ऊपर से, तुम डेवलप होगा, माँ खुश होगा, बहुत सारा बात बोल के मुझे मोटिवेट किया। आज मैं खुश हूँ कि मेरा अपलाइन, ऐसा एक अपलाइन मिला मुझे, ऐसा अपलाइन हर एक टीम में, हर एक टीम को, हर एक बंदे को ऐसा अपलाइन मिले, हर समय सपोर्ट देने के लिए रेडी हो। सर तो अभी भी आना चाह रहा है, अभी भी आइए, मैं बोलो अभी मत आइए सर, प्रॉब्लम होगा, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है यहाँ पर आने के लिए, बहुत सारा टेस्ट वगैरह करना पड़ता है। तो थैंक यू सो मच सुब्रत चक्रवर्ती सर, और थैंक यू सो मच संजय बगारिया सर, मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए आज का प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच ऑल एमएमए बोर्ड मेंबर्स। और ये कोई भेदभाव नहीं करता है, जो भी ड्रीमर है, जो भी आगे बढ़ के जिंदगी में बड़ा बनना चाहता है, उसका स्वागत है। एक दिन धीरूभाई अंबानी भी एक दिन ऑर्डिनरी आदमी थे, वहां से अपने सपने के कारण ही इज बिकेम द रिचेस्ट मैन ऑफ इंडिया। सो दोस्तों, आप सबको स्वागत है इसमें। थैंक यू बोलना चाहूंगा कंकना मैडम को, जिन्होंने एक शानदार शानदार हेयर प्रोग्राम किया आज। शी इज आवर एरिया सेल्स मैनेजर, वो हमारी ट्रेनर है, एंड इट वॉज अ फैंटास्टिक ट्रेनिंग कंकना जी। पता नहीं आप हैं कि शायद निकल गए होंगे, और ग्रेटिट्यूड टू यू। थैंक यू ऑल द एमएमए बोर्ड मेंबर्स, सारे एमएमए के लीडर्स, सारे एमएमए के मेंबर्स, हम सब लोग एक टीम है, एक फैमिली है, हम लोग मिलके, हम लोग बोलते ना वन टीम वन ड्रीम। यहाँ पे कोई फर्क नहीं है, जो जिंदगी में आगे आना चाहता है, मिलके हम लोग बहुत बड़ा काम करेंगे, एक सपनों का दुनिया बनाएंगे जहाँ पे हर आदमी सफल हो जाए। ठीक है, इसके साथ थैंक यू सो मच। जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए दोस्तों को, और कमेंट भी दीजिए। थैंक यू टू एवरी ऑल।